एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में तीन बहनें पायल, प्रीति और नेहा अपनी गरीब माँ के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। कावेरी अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत किया करती थी। तब जाकर उसे चंद रुपये मिलते थे, जिसकी वजह से घर का किराया और अपनी तीन तीन बेटियों को दो समय का खिलाना और उन्हें शिक्षा देनी कावेरी को बहुत मुश्किल हो जाया करती थी। ऐसे ही कठिनाइयों से भरा जीवन कावेरी और उसकी तीनों बेटियों का चल रहा था। पायल और प्रीति का जन्मदिन आने वाला था। दोनों बहनें पार्क में खेल रही थी कि तभी वहां पर पड़ोस की कुछ अमीर लड़कियां आती हैं और दोनों बहनों को बहुत चिढ़ाती हैं। देखो देखो काव्य, इन दोनों गरीब बहनों को देखो, कल इनका जन्मदिन है लेकिन बेचारियों को अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए नई फ्रॉक भी नहीं मिलती और ना ही इनके लिए केक वगैरह आता है। बेचारियां, इनके तो सब दिन एक जैसे ही हैं, रूखी सूखी खाकर। हाँ संजना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह गरीब बहनें तो इस धरती पर आकर बोझ है बोझ, क्योंकि यह तो जिंदगी को एंजॉय ही नहीं कर पा रही, बस जिंदगी को काट रही है काट, रूखी सूखी खाकर। जिंदगी जीने का असली मजा तो हम जैसे अमीर लोगों का है, इन जैसे गरीबों का नहीं, जिन्हें यही नहीं पता नए कपड़े क्या होते हैं, अच्छा खाना क्या होता है। गरीब कहीं की धरती पर बोझ। दोनों अमीर लड़कियों की बातें सुनकर पायल और प्रीति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलकर दोनों लड़कियों की बहुत ही ज्यादा पिटाई करती हैं, मार मार कर उनका भड़ता बना देती हैं। कुछ समय बाद दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं और नेहा को सब बताती हैं। यह सुनकर नेहा परेशान हो जाती है और वह अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, अरे मेरी प्यारी बहनों, यह तुमने क्या अनर्थ कर दिया, संजना और काव्य वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, तुमने उनकी पिटाई क्यों की? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि दो महीने से किराया भी नहीं गया, अब तो बस क्या होगा कुछ नहीं पता। दीदी दीदी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हमारे मकान मालकिन की बेटियां हैं, लेकिन आप भी तो देखो, वो दोनों रोजाना पार्क में हम दोनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं, हम पर रोजाना हंसती हैं, हमारी बहुत इंसल्ट करती हैं, आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो बुरा लग सकता है, बस ज्यादा गुस्सा आ गया इसलिए पिटाई कर दी। तुम दोनों ने मेरी मासूम बेटियों को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम गरीब माँ बेटी खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने तुम गरीबों पर तरस खाकर दो महीने से किराया नहीं लिया, तुम तो सर पर चढ़कर नाचने ही लगे, अपनी माँ को बाहर निकालो, वो कहाँ है? अब तुम गरीब माँ बेटी मेरे घर में एक पल भी नहीं रह सकती। सरिता आंटी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इनसे गलती होगी और यह दोनों संजना और काव्या से भी माफ़ी मांगेंगी, कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए और अपने घर से बाहर मत निकालिए। अरे माँ भी आ गई। सरिता बहन, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं अभी किराया नहीं दे सकती, मेरे काम के पैसे नहीं मिले, बस आप हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। ना बाबा ना, अब मैं तुम जैसे गरीबों को अपने घर में और नहीं रहने दे सकती, तुम्हारी बेटियों ने जो कारनामा किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें अच्छी तरह से मिलेगी, मुझे शाम तक मेरा घर खाली चाहिए, अगर शाम तक मेरा घर खाली नहीं हुआ तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारा सामान तो बाहर फेंकवा ही दूंगी और तुम्हें सलाखों के पीछे भी पहुँचा दूंगी, इसलिए अगर जेल नहीं जाना चाहती तो चुपचाप मेरा घर खाली करके चली जाओ। सरिता की यह बातें सुनकर कावेरी और तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी होती हैं और सरिता वहां से चली जाती है। कावेरी सरिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह उसका घर खाली कर अपनी तीनों बेटियों के साथ वहां से जाने लगती है। कावेरी और उसकी तीनों बेटियां दूसरी जगह घर तलाश करने के लिए जा ही रही थी कि तभी रास्ते में एक हादसा होता है, कावेरी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। तीनों बहनें अपनी माँ को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, तभी डॉक्टर तीनों बहनों से कहती हैं, देखो तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगी है और हम जब तक इनका इलाज शुरू नहीं करेंगे, जब तक तुम रिसेप्शन पर पैसे जमा नहीं कर देती, पहले पैसे दो उसके बाद तुम्हारी माँ का इलाज होगा, ठीक है? लेकिन डॉक्टर, हमारे पास आपको देने के लिए एक रुपया भी नहीं है, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, मेरी माँ मेहनत मजदूरी कर हम तीनों बहनों का पालन पोषण करती है, हमारे तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, हम गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करो और हमारी माँ का इलाज शुरू कर दो, एक वही है एकमात्र हमारा सहारा, हमारे पर थोड़ा रहम करो और हमें थोड़ा समय दे दो, हम तुम्हारे सभी पैसे दे देंगे, लेकिन अभी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, कृपया करके हमारी माँ को बचा लो।
अगर तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है तो हमारे पास भी तुम्हारी माँ का इलाज करने के लिए समय नहीं है। यहाँ पर हम मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं बैठे। यहाँ से अपनी माँ को लेकर जाओ। जब पैसे हो जाए तो इलाज करवाने भी आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं गरीब, जैसे हम डॉक्टर इन जैसे गरीबों के लिए ही बने हों। तीनों बहनें डॉक्टरों के सामने बहुत रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन डॉक्टरों को तो बस पैसे चाहिए थे। पैसे मिल जाते तो वह इलाज कर देते, पैसे नहीं मिले तो वह धक्के मारकर तीनों बहनों को और खून में लहूलुहान उनकी मां को अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। समय पर इलाज न मिलने की वजह से कावेरी अपनी तीनों बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। यह सब कुछ हम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। ना हम संजना और काव्या की पिटाई करते और ना ही मालकिन हमें घर से बाहर निकालते और ना ही माँ का एक्सीडेंट होता। यह क्यों अनर्थ हो गया? माँ हमें अकेला छोड़ के चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? पता नहीं हम जैसे गरीबों की परेशानी खत्म क्यों नहीं होती। एक के बाद एक मुसीबत आ ही जाती है। एक तो पहले ही हम इतने ज्यादा गरीब थे, ऊपर से हमारे सर से छत भी छिन गई और माँ का साया भी। हम तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी। इस तरह से तीनों बहनें बहुत रोती हैं और अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं। तीनों बहनों को सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो रहना था, इसलिए वह जंगल में झोपड़ी डालकर उसके अंदर रहती हैं। और नेहा दोनों बहनों से बड़ी थी, इसलिए वह बाहर कमाने के लिए निकल जाती है। बहुत ही ज्यादा धक्के खाने के बाद नेहा को एक बहुत बड़े शोरूम पर साफ सफाई करने का काम मिल जाता है। अब नेहा मेहनत से काम करती और अपनी दोनों छोटी बहनों का पालन पोषण करती है। शोरूम की मालकिन भी नेहा के काम से बहुत ज्यादा खुश थी। अरे वाह नेहा, जब से तुम मेरे शोरूम पर काम करने आई हो तब से तुमने मेरे शोरूम पर चार चांद लगा दिए। पहले वाली नौकरानी बहुत गंदगी से काम करती थी और तुम तो बहुत अच्छी तरह से काम भी करती हो और कपड़ों की देखरेख भी करती हो और साथ में तुम ईमानदार भी बहुत हो, बहुत अच्छी हो। ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करती रहो, देखना एक दिन बहुत आगे जाओगी। शोरूम मालकिन हमेशा इसी तरह नेहा की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शोरूम पर संजना और काव्या अपने लिए ड्रेसेस खरीदने आती हैं और वो वहाँ पर नेहा को काम करते देख आपस में बातें करने लगती हैं। काव्या काव्या देख, प्रीति और पायल की बड़ी बहन किस तरह शोरूम पर साफ सफाई का काम कर रही है। गरीबों से अभी अपना हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन गरीबों को सबक सिखाने का। बता क्या कहती है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे अच्छा तो मौका मिल ही नहीं सकता। देख, जो इतनी ज्यादा महंगी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक ट्राई की है उन्हें यहाँ से चुरा के ले जाते हैं। सारा इल्जाम इस नेहा की बच्ची के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यह गरीब बहनें हमारे कहर से कैसे बचती हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थी और वह महंगी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक चुरा कर ले जाती हैं और नेहा भी अपना काम करकर चली जाती है। अगले दिन जब वह काम करने आती है तो शोरूम मालकिन गुस्से से आग बबूला थी और वह नेहा को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, नेहा मेरे यहाँ पर स्टाफ 10 साल से काम कर रहा है, आज तक ऐसी गलती कभी नहीं हुई। तुम चंद महीने से ही आई हो और तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हारी थोड़ी क्या तारीफ कर दी, तुम तो आसमान पर ही चढ़कर बैठ गई। तुम मेरे महंगे महंगे फ्रॉक चुरा कर लेकर गई हो, मुझे उनके पैसे चाहिए, वो भी 50,000 रुपए। और आज के बाद तुम मेरे शोरूम पर काम करने भी नहीं आओगी। तुम जैसे चोरों की मेरे शोरूम पर कोई जरूरत नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। मैं एक समय भूखा रह सकती हूँ लेकिन चोरी कर अपना कभी पेट नहीं भरूंगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई फ्रॉक वगैरह नहीं चुराई, मैं कभी चोरी कर ही नहीं सकती। सभी चोर चोरी करने के बाद यही कहते हैं कि वो चोर नहीं है। अगर चोर चोरी करने के बाद यह मान ले कि उसने चोरी की है तो फिर वह चोरी करे ही क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो तुम कहाँ से लाकर दोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे शाम तक मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ क्या कर सकती हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए शोरूम से बाहर निकलो और मुझे शाम तक 50,000 रुपए लाकर दो। शोरूम मालकिन की यह बातें सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वह इतनी जल्दी 50,000 रुपए कहाँ से लाकर देगी। और वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी संजना और काव्या यह देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया। बेचारी गरीब नेहा रोते हुए शोरूम से बाहर आ जाती है और वह अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन वह इतनी ज्यादा परेशान थी कि वह अपने घर के जाने का रास्ता भूल जाती है और वह बस जंगल में चलती रहती है और वह एक
अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर तीन नदियां बह रही थी और तीनों नदियों के पास एक एक बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्रॉक लगे थे। एक सोने की तरह चमक रहा था तो दूसरा हीरे की तरह चमक रहा था और तीसरा वह बहुत ही ज्यादा फटा पुराना था। यह देखकर नेहा चौंक जाती है। अरे यह मैं कौन सी जगह पर आ गई, यहाँ पर तो तीन तीन नदियाँ बह रही हैं और तीनों नदियों के पास एक एक फ्रॉक है और वो भी सोने और हीरे की तरह चमक रहे हैं, मगर तीसरा फ्रॉक यह फटा पुराना क्यों है? तुम्हारा इस मायावी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। जो तुम्हें सामने तीन नदियाँ बहती हुई नजर आ रही हैं, यह जादुई फ्रॉक की है। अगर तुम हीरे की फ्रॉक की नदी में जाकर हीरे का फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे, और अगर तुम दूसरी नदी में जाकर सोने का फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, जिसकी मदद से तुम सारी जिंदगी ऐश कर सकती हो। तुम्हें धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। और परीजी, अगर तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनूं तो क्या मिलेगा? अगर तुम तीसरी नदी में जाकर यह फटा पुराना फ्रॉक पहनती हो तो तुम्हें ना तो हीरे मिलेंगे, ना ही सोना, कुछ भी नहीं मिलेगा। बल्कि तुम हम परियों की मदद कर सकती हो। हम सभी परियां, परी लोग बहुत समय से नहीं गए। एक काली चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है और हम अपनी मदद भी अपने आप नहीं कर सकते। जिसके अंदर लालच ना हो और दूसरों की मदद करने की इच्छा उसके अंदर हो, वो ही हमारी मदद कर सकता है। अगर तुम तीसरी नदी का फ्रॉक पहनती हो तो काली चुड़ैल का श्राप खत्म हो जाएगा और हम अपने परिलोक चले जाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करता कौन है? सभी को धन दौलत की जरूरत है। मुझे पता है तुम भी हीरे और सोने वाला ही फ्रॉक पहनोगी। परी जी, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मुझसे ज्यादा जरूरत इस समय आप सभी परियों को है। हम जैसे गरीब बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हम जेल ही तो चले जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको काली चुड़ैल के शराब से जरूर मुक्त करूंगी। मैं नदी का जादुई तीसरा फटा पुराना फ्रॉक पहनूंगी और आपके घर के जाने का रास्ता बनाऊंगी। ऐसा कहकर नेहा तीसरी नदी के अंदर जाती है, वहाँ से फटा पुराना फ्रॉक लेकर आती है और उसे पहन लेती है। जैसे ही नेहा उसे पहनती है तो बादलों में जाने के लिए सीढ़ियाँ बन जाती हैं। यह देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं और वह नेहा को धन्यवाद कहती हैं। सच में नेहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, जबकि तुम्हें धन दौलत की कितनी ज्यादा जरूरत थी। तुमने हमारे घर के जाने का रास्ता बनाया। तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम धन दौलत का लालच करती तो हमें हमारे घर जाने का मौका कभी नहीं मिलता। हम सभी परियां तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि इस नदी के जादुई फ्रॉक की मदद से तुम्हें कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जाओ, अपनी बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करो। परी की यह बातें सुनकर नेहा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह घर आकर नदी के जादुई तीसरे फ्रॉक से बहुत सारी धन दौलत मांगती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। यह देखकर प्रीति और पायल बहुत खुश होती हैं। नेहा उनमें से 50,000 रुपए शोरूम मालकिन को दे देती है और उसके बाद अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलती है। तीनों बहने बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और एक दिन वह अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं घूमने जा रही थी कि तभी वह देखती है कि काव्या और व्हील चेयर पर बैठी भीख मांग रही हैं। अरे अरे, तुम दोनों तो इतनी ज्यादा अमीर थी, फिर इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस तरह व्हील चेयर पर क्यों हो? हमें हमारे कर्मों की सजा मिली है। हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, तुम्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिस वजह से उसकी सजा हमें इसी दुनिया में मिल गई। हम दोनों बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो तुम तीनों बहनें हम दोनों बहनों को माफ कर देना। तीनों बहनें बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वह काव्या और संजना को माफ कर देती हैं और उसके बाद उनका इलाज भी करवाती हैं और उन्हें रहने के लिए घर भी देती हैं। तीनों बहनों का इतना अच्छा स्वभाव देखकर दोनों बहनों को बहुत शर्मिंदगी होती है और वह आज के बाद से कभी भी बुरा काम नहीं करती और तीनों बहनों के साथ अच्छा काम करती हैं। और तीनों बहनें भी अपने साथ साथ और भी गरीब लोगों की मदद करती हैं और एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। एक बार की बात है, परे लोक की दुनिया में एक दर्जी सुमन परी अपनी बेटी सपना के साथ रहा करती थी। सुमन परी वह बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े सिलने जानती थी और वह बहुत मेहनत से कपड़े सिलती भी थी, लेकिन सुमन परी को उसकी मेहनत और उसके इतने अच्छे डिजाइन के इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, जिस वजह से दर्जी सुमन परी बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। और अभी तो सुमन परी को अपनी बेटी के हाथ भी पीले करने थे।
अरे सुजाता दीदी, इतने दिन बाद आप कपड़े सिलवाने आई हैं, लेकिन आप तो अपने साथ कपड़ों का ढेर लेकर आई हैं। क्या कहीं जाने की तैयारी है जो आप इतने सारे कपड़े सिलवा रही हैं? साड़ियाँ, लहंगे, ड्रेस, फ्रॉक, आखिर क्या बात है? अरे अरे सुमन परी, कुछ नहीं, जब घर में शादी होती है कितने ज्यादा काम होते हैं समझ में ही नहीं आता। अरे मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी पक्की कर दी है, अगले महीने शादी है, बस उनकी तैयारियों में लगी थी और बस अब शादी के कपड़े तुमसे ही सिलवाने आई हूँ। तुम्हारे हाथ में सफाई है, अच्छे सिल देती हो, लेकिन पैसे वो ही दूंगी जो मैं तुम्हें पहले देती आ रही हूँ, 1 रुपया न फालतू न कम, ठीक है? सुजाता मौसी, अभी तक आप पृथ्वी पर नहीं गई, आपको नहीं पता कि सिलाई के कितने ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। यह तो फिर भी परीलोक है, मम्मी कितनी मेहनत से एक एक धागा अपने हाथों से लगाती हैं, बहुत मेहनत से बनाती हैं आप सभी के कपड़े, लेकिन मम्मी को कभी भी उनकी मेहनत के पैसे ही नहीं मिलते। सपना जाओ, सुजाता मौसी के लिए चाय बना के लेकर आओ। हाँ दीदी, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता बताना, मैं भी सपना के हाथ पीले करना चाहती हूँ, लेकिन आपने तो अभी तक कोई रिश्ता नहीं बताया। सपना की शादी की उम्र हो चुकी है, उम्र क्या, अब तो उम्र भी निकले जा रही है। सुमन परी, पहली बात तो तुम इतनी ज्यादा गरीब, ऊपर से दर्जी, और तुमने अपनी बेटी का रंग रूप देखा है? कोई इसे अपने घर की बहू बनाकर नहीं लेकर जाएगा, इतनी काली कलूटी तो है और चेहरे पर निशान भी, देखो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगी। रिश्ते विश्ते में मत पड़ो, शादी वादी नहीं होने वाली, तुम्हारी बेटी की सपने देखना छोड़ दो। आजकल तो सुंदर सुंदर पढ़ी लिखी अच्छी लड़कियों के भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, तुम जैसी बदसूरत काली कलूटी दर्जी की बेटी को अच्छे रिश्ते कहाँ से मिल जाएंगे? अच्छा अब मैं चलती हूँ, मेरे कपड़े समय पर और अच्छे सिल देना। इस तरह सुजाता बेचारी सुमन परी के जख्मों पर नमक छिड़क कर चली जाती है, और वहीं दूसरी तरफ सपना चाय लेकर खड़ी थी, उसके हाथ से चाय गिर जाती है। अपने बारे में इतना अनाप शनाप सुनकर और वह बहुत रोती है, तभी उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है, अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुम क्यों रोती हो, तुम तो मेरी शहजादी बिटिया हो, तुम्हें जिसे जो कहना है कहने दो, बाहर वालों का तो काम ही होता है कहना, तुम उनकी बातों का बुरा नहीं मानो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सपना बेटा, मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हैं, तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करवानी होगी। आप मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसा कह रही है ना, वरना हकीकत तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि क्या है। अब तक घर में न जाने 10 से ज्यादा रिश्ते आ चुके होंगे, लेकिन सबके सब मेरा रंग रूप देकर मुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। माँ आप मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको कितना दुख होता है, आपको कितने ताने सुनने पड़ते हैं। अगर मैं और लड़कियों की तरह सुंदर होती, काली नहीं होती, तो आपकी बेटी की भी शादी हो जाती, लेकिन मेरे रंग रूप की वजह से यह नामुमकिन है। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है। सुमन परी अपनी बेटी को बहुत समझाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। आज सुजाता परी के यहाँ शादी थी और उस शादी में सपना जाती है, तभी वहाँ की कुछ लड़कियाँ सपना का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे यार सपना, क्या तुम दूसरों की शादियों में ही खाना खाती रहोगी, अपनी शादी का खाना नहीं खिलाने वाली क्या? अरे यार नेहा परी, तुम्हें पागल ही हो, दर्जी परी की काली बेटी की शादी कैसे हो सकती है? पहले तो सिर्फ एक काली कलूटी बस सूरत ही दिखती थी, अब तो शादी की उम्र भी ढल चुकी है, बढ़िया लगती है, बढ़िया, शादी वादी नहीं होने वाली, बस दूसरों की शादी में खाना खाती रहेगी। देखो मैं इससे छोटी हूँ, लेकिन मेरी शादी कितने साल पहले हो गई थी, और यह अपने रंग रूप की वजह से अभी तक घर में ही बैठी है, अपनी माँ की सिलाई में हाथ बटाती है और दूसरों की शादी में खाना खाती है। सपना तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम मेरी बेटी को शादी में आना, ये नहीं कहा था कि अपनी बदसूरत बेटी को इतने अच्छे शुभ मौके पर भेज देना, तुम्हारी वजह से पूरी शादी में ग्रहण लग जाएगा, तुम्हारी तो शादी वादी होने से रही, क्या तुम मेरी बेटी की शादी होने से पहले ही तोड़वाना चाहती हो? मैंने तुम जैसी काली कलूटी को अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाया था, फिर तुम क्यों आई हो इस शुभ मौके पर मनहूसत फैलाने के लिए? सुजाता मौसी, आप तो जानती ही हैं कि पूरे परीलोक में सिर्फ एक मेरी माँ ही दर्जी हैं, और उनके पास कितने ज्यादा कपड़े रहते हैं, उनके पास आपकी बेटियों की शादी में आने का समय नहीं था, आपको बुरा ना लगे इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना मैं तो आना भी नहीं चाहती थी। अगर मेरी वजह से आपके इस शुभ मौके पर कुछ गलत हुआ हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए, मैं जा रही हूँ।
सपना शादी में से रोते हुए घर वापस आ जाती है और अपने रूम में बंद होकर बहुत रोती है। सपना अपनी माँ को एहसास नहीं होने देती कि शादी में उसके साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि वह अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज सुमन परी बहुत ज्यादा खुश थी और वह अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस तैयार करती है। हल्दी और बेसन का लेप बनाती है और अपनी बेटी के पास ले जाकर उससे कहती है, सपना मेरी प्यारी बिटिया, इस स्नान से पहले इस लेप को लगा लेना और हाँ, यह ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सपना बिटिया, थोड़ा अच्छे से तैयार होना। माँ, इस हल्दी बेसन के लेप से मेरी काया पलट नहीं हो जाएगी, रहूंगी तो मैं आपकी दर्जी परी की काली बेटी ही। माँ, आपकी सारी मेहनत बेकार है, मेरी शादी वादी नहीं होने वाली। छोड़ दीजिए ना शादी वादी का चक्कर, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, बस आपके पास रहूंगी। माँ, मेरे अंदर और हिम्मत ताकत नहीं है अपने और इंसल्ट करवाने का, मेरी शादी कराने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बेटा, ऐसे कैसे तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपनी बिटिया को अपने घर से विदा करे और वह अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। अब देखो, ज्यादा बातें मत करो, मुझे खाना भी बनाना है और ड्रेस भी तैयार करनी है, तुम अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है। ऐसा कहकर सुमन परी अपनी बेटी को समझाकर आ जाती है। सपना अपनी माँ की बात मानकर बेसन और हल्दी का लेप लगा लेती है, मेकअप भी कर लेती है और जो उसकी माँ ने ड्रेस तैयार की थी वह भी पहन लेती है। कुछ समय बाद लड़के के माँ बाप लड़का सपना को देखने आ जाते हैं। बेचारी सुमन परी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, उनकी बहुत ज्यादा सेवा करती है ताकि वह उसकी बेटी को पसंद कर चले जाए। अरे दर्जी परी, क्या तुम हमारी चापलूसी में लगी हो? अभी तुमने अपनी बिटिया को नहीं बुलाया, अपना और हमारा समय बर्बाद क्यों करती हो? जाओ जल्दी से अपनी बिटिया को बुलाओ ताकि हम कुछ बात आगे बढ़ा सकें। सावित्री परी इतना ही कह पाती है कि तभी सपना सभी के लिए चाय लेकर आती है। सपना को देखकर सावित्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और जाने लगती है कि तभी सुमन परी सावित्री परी से कहती है, सावित्री बहन आप कहाँ जा रही हो, कुछ तो बात कीजिए, आप तो बस कुछ कह ही नहीं रही और आप जाने लगी। सुनिए तो, आखिर क्या बात है, बात तो बताइए, आप इस तरह से हमारा अपमान कर नहीं जा सकती, रुकिए तो। अच्छा, यह भी तुम मुझसे कह रही हो कि मैं क्यों जा रही हूँ? जब मैं तुमसे कपड़े सिलवाने आई थी तो तुमने क्या कहा था कि तुम्हारी बेटी सोना है सोना, लेकिन यह तो कोयले की खान का निकला हुआ सबसे काला कोयला है। आपकी बेटी इतनी ज्यादा बदसूरत है, आपको क्या लगता है कि मैं अपने बेटे के कर्म फोड़ दूंगी इतनी ज्यादा बदसूरत बहू लाकर? नहीं, मैं इतनी बदसूरत बहू नहीं लेकर जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इसे सोना कहती हो, अगर पता होता कि तुम्हारी बेटी इतनी बदसूरत है तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। देखिए, ऐसे तो मत जाइए, और मेरी बेटी का रंग रूप क्यों देखती हो, उसका दिल बहुत सुंदर है, हमेशा सबकी मदद करती है, अपने से बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, अपनी माँ की सभी बात मानती है, उसे काम भी सभी आते हैं, बहुत होशियार है। इतने अच्छे कपड़े मैं भी नहीं सिलती जितने अच्छे मेरी बेटी सिलती है, कृपया करके यह रिश्ता ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मैं सोच लेती हूँ तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने के बारे में, लेकिन तुम दर्जी परी होकर मेरे बेटे को क्या दे सकती हो? क्या तुम 20 लाख रुपए कैश दे सकती हो, सोने की चैन, एक लंबी गाड़ी चमचमाती हुई और मेरे लिए सोने का सेट, क्या यह तुम सब दे सकती हो? कपड़े सिल सिल कर कितने पैसे कमा लेती होंगी, इतना सारा दान दहेज देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं कुछ सोच लेती हूँ। नहीं, मुझे आपके घर की बहू नहीं बनना, मेरी माँ बहुत मेहनत से आप सभी परियों के इतने ज्यादा मेहनत से कपड़े सिलती है, तब जाकर कुछ रुपए कमाती है, अपना और मेरा पालन पोषण करती है। आपको देने के लिए मेरी दर्जी माँ के पास कुछ नहीं है, जाइए अपने बेटे को और कहीं जाकर बेचिए जहाँ आपका यह सुंदर बेटा ज्यादा पैसों में बिक सके। हाँ हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर शादी करने का, देख लीजिए अपनी बेटी की जबान, रंग रूप की तो काली है ही, जुबान भी काली है काली, चलो बेटा यहाँ से, हमें अपना समय और बर्बाद नहीं करना। ऐसा कहकर सावित्री अपने पति और बेटे को वहाँ से ले जाती है। अब तो सुमन परी पूरी तरह से टूट चुकी थी कि अब उसकी बेटी की शादी नहीं होने वाली, और सपना भी यह सच्चाई मान लेती है कि उसके रंग रूप की वजह से कभी उसकी शादी नहीं होगी, और सुमन भी अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल देती है और अब वह अपनी बेटी के साथ मिलकर सिलाई करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सपना अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की,
गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। सपना थोड़ा करीब जाकर देखती है तो एक चुड़ैल ने एक राजकुमार को एक पेड़ से रस्सियों से उल्टा लटका रखा था और नीचे चारों तरफ उसके आग लगा रखी थी और वह राजकुमार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। देख राजकुमार, अभी भी तेरे पास समय है। मैं अभी भी कहती हूँ कि मुझे वह रहस्यमय अंगूठी दे दे, वरना तू अपनी जान से जाएगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी और उसके बाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा राज्य, तेरा महल, तेरे राज्य के लोग सभी को मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए अभी कहती हूँ कि मुझे रहस्यमय अंगूठी दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दुष्ट चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे रहस्यमय अंगूठी नहीं दूंगा। अरे, यह राजकुमार तो हमारे परीलोक का नहीं है, लगता है दूसरे परीलोक का है। और यह चुड़ैल परीलोक में क्या कर रही है? यह तो पृथ्वी की चुड़ैल है। लगता है इस चुड़ैल ने इस राजकुमार को कैद किया है और इसे यहाँ पर मारने के लिए लेकर आई है। बेचारा कितनी ज्यादा मुसीबत में है, कितना परेशान है। मुझे इस राजकुमार की मदद करनी चाहिए, वरना यह चुड़ैल इसे मार देगी और इनका परीलोक मुसीबत में आ जाएगा। मुझे कुछ भी कर मदद करनी ही होगी, चाहे अपनी जान की बाजी लगा दूं। ऐसा सोचकर सपना उस राजकुमार की मदद करने की ठान लेती है। सपना चारों तरफ देखती है तो उसे एक मोटा डंडा नजर आता है और वह उसे उठाती है, पीछे से जाती है और उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार मार कर बेहोश कर देती है। और उसके बाद राजकुमार को भी पेड़ से नीचे उतार लेती है। तभी वह राजकुमार अपने रहस्यमय अंगूठी को बुलाता है और उसकी जादुई शक्तियों से उस चुड़ैल को जलाकर राख कर देता है। वह चुड़ैल मर जाती है। तभी राजकुमार सपना की बहुत प्रशंसा करता है। सच में तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम न होती तो यह चुड़ैल मुझे मार देती। मैंने आज तक इतनी बहादुर लड़की नहीं देखी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार, आपका और मेरा कोई मैच नहीं। आप एक राजकुमार हैं और मैं एक दर्जी परी की काली बेटी, जिसे सभी ने ठुकराया है, किसी ने नहीं अपनाया। फिर आप मुझे एक राजकुमार होकर कैसे अपना सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ और गरीब भी। इंसान की सुंदरता उसके दिल से होती है और मुझे तुम पसंद हो। राजकुमार की बातें सुनकर सपना को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे मना नहीं कर पाती और राजकुमार को अपनी माँ से मिलाती है। सुमन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं कि इतने समय के बाद उसकी बेटी की शादी होगी और वो भी एक राजकुमार से। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की शादी का लहंगा बहुत सुंदर बनाती है और बहुत धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करती है। परीलोक की सभी परियां यह देखकर अचंभित हो जाती हैं कि एक दर्जी परी की काली बेटी की शादी एक राजकुमार से हुई है।